नमस्कार, मुझे डॉक्टर शिवप्रसाद सेनापति, एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक। आज आपण मानक उच्च रक्तचाप बा हाई ब्लड प्रेशर संपर्क में डिटेल्स जनइबी। ये कौन, यार कारण कौन, सब लक्षण प्रकाश पाई थाए, कौन सब जटिलता देखादे थाए, यार निराकरण एवं वीडियो शेष में आपण मानक सातटी फर्मूला कहबी जहाद्वारा आपण आपण ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखिपारे। प्रथम देखा रक्तचाप कौन एवं उच्च रक्तचाप क्या कहुए। आम जो हार्ट रहा, हार्ट कौन करे बॉडी डिफरेंट पार्ट्स एवं ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करते। ब्लड एक्चुअली ब्लड भेसल दे कि फ्लो होता है। ब्लड जितेबाला ब्लड भेसल दे कि फ्लो हुए सी कौन करे ना भेसल वाल उपरे जो धमनीर वाल उपरे गोटे प्रेसर एक्जर्ट करते। यही प्रेसर को ही आम ब्लड प्रेसर बोली कही था। नॉर्मल वयस्क लोक ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। जो ऊपर पार्टा रहिला ताहाकु आमे सिस्टोलिक प्रेशर बोली कही था। हार्ट जेतेबले संकुचित हुए कंट्राक्ट करे सही टाइम रे ए प्रेशर एक्जर्ट होता है। एवं जो तल पार्टा रहिला ताहाकु आमे डायस्टोलिक प्रेशर बोली कही था। हार्ट जेतेबले रिलैक्स हुए प्रसारित हुए सही टाइम रे ए प्रेशर एक्जर्ट होता है। ब्लड प्रेशर हाई हेले भी असुविधा एवं लो हेले भी असुविधा। हाई ब्लड प्रेशर केते बेले कहिबा ना आपनको ब्लड प्रेशर जदि 120 बाय 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी रो बढ़ी कि 140 बाय 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी को पहुँचे किंबा ताठारु अधिक होइथाए ताहाकु आमे हाइपर टेंशन बा हाई ब्लड प्रेशर बा ओडिया रे उच्च रक्तचाप बोली कहिथाउ। हाइपर टेंशन रो पूर्व अवस्था को प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोली कहा जाए। अर्थात आपनको ब्लड प्रेशर जदि 120 बाय 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी रो अधिका आछि किंतु 140 बाय 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी को क्रॉस करिनि ताहाले आपनको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज रो ब्लड प्रेशर बोली कहा जाए। एही टाइम रे आपनको अधिका सतर्कता अवलंबन करबाकु पड़िबो, किछि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करबाकु पड़िबो, नचेत आपण भी हाइपरटेंसिव स्टेज को जाय पारंती। आजिकालिका व्यस्त बहुल जीवनचर्या एवं जीवनशैली रे परिवर्तन जोगु बहुत जन लोक उच्च रक्तचाप रोग रे पीड़ित अटंती। देखा जाइछि भारत रे प्रति 8 जन को मध्यरु जणे उच्च रक्तचाप रोग रे पीड़ित अटंती। विशेष करी वयस बढ़िबा सहित रक्तचाप भी बढ़िथाए एवं अधिका विपदपूर्ण होइथाए। खास करी 45 वर्ष किंबा तदुर्ध लोकमानंकु एहा अधिका आक्रांत करिथाय। बहुत दिन धरी ए रोग कोन करे ना आम देहरे गुप्त भावरे रहिथाय, काहेकि ना एहार कोनोसी भी लक्षण प्रकाश पाइ नथाय। सेइथि पई एहाकु आमे साइलेंट किलर बोली कहिथाउ। बहु टाइम रे कोन हुए किछि लोकंकर ब्लड प्रेशर अधिका थाय किंतु सेमानकर कोनोसी भी प्रॉब्लम हुएनि, सेइथि पई सेमाने कोनोसी डाक्टरनक पाखकु जाइकि हेल्थ चेकअप किबा ब्लड प्रेशर चेक करन्तिनि। किंतु एट दि लास्ट कौन हुए ना सेमाने बहुत कॉम्प्लिकेशन जटिलता सहित हॉस्पिटल रे एक्चुअली प्रेजेंट करथांदी। उच्च रक्तचाप कौन सबू जटिलता को टाणी आनी थाए। प्रथम हैला ब्रेन स्ट्रोक जहाद्वारा आपण को गोड़ हाथ पारालीसीस हो पारे। सेकेंड हैला हार्ट फेलियर एवं हार्ट अटैक। थर्ड रे कौन हुए ना बहुत पेसेंट किडनी फेलियर हो प्रेजेंट करथांदी। फोर्थ हैला विजन लॉस ब्लाइंडनेस आपण को हाई बीपी ब्लाइंड भी करी पारे। वर्तमान देखिबा हाई ब्लड प्रेशर रो कारण कौन सब रही। प्रथमतः मुँ कह 95% लोकंर कौन सी कारण जना पड़ी नथे जहाँ को आम प्राइमरी हाइपरटेंशन बा इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बा एसेंशियल हाइपरटेंशन बोली कही था। किंतु किसी रिस्क फैक्टर रही कौ मानकर ब्लड प्रेशर अधिका रहिबार चांसेस थाए। प्रथम हैला हाई सॉल्ट डाइट, जो माने निजो डाइट रे अधिका अमाउंट रो लुण खायंती। सेकेंड हैला सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजिकाली आमे देखुचे बहुत टाइम रे आमे कोनोसी भी एक्सरसाइज करी नथाउ। थर्ड हैला ओबेसिटी बा ओवरवेट। फोर्थ रे हाई कोलेस्ट्रॉल। आउ गोटे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होची डायबिटीज, जो मानकर डायबिटीज अनकंट्रोल ब्लड सुगर रही सेमानुकु हाई ब्लड प्रेशर होबार चांसेस अधिका। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर वंशगत भी होइथाय। अल्कोहल
ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ମୋକିଂ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଟାଇପ୍ ଏ ପର୍ସନାଲିଟି, ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅଧିକା ଟାଇମ୍ରେ ବିଜି ରହିଥାନ୍ତି, ଏନ୍ଜାଇଟି ବଢ଼ିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ହୁଏ। ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ନିଦ୍ରାହୀନତା, ସ୍ଲିପଲେସନେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡେରୀ ହାଇପରଟେନସନ, ଯେଉଁ 5% ଲୋକଙ୍କର ଆମେ କାରଣ ଖୋଜିକି ପାଇଥାଉ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରର, ସେସବୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଥାଇରଏଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଏ। 3, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଓରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ପେନ୍ କିଲର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କହିଥାଉ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଏଡ୍ରିନାଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ, ସେଇ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ବି ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ୟା ଯୋଗୁଁ ବି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ହାଇ ହୁଏ, ହାର୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଧିକା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆମ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଲା, ସେସବୁକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିପି ହାଇ ହୋଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ପର୍ସନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହେଡ଼୍ ରିଲିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ, ହେଡ଼େକ୍ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଝାଉଁଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଆଖିକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗିଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାମ କଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିଥାଏ, ବାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଇରେଗୁଲାର ହୁଏ, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନମ୍ନେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 7 ଫର୍ମୁଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଲୋ ସଲ୍ଟ ଡାଏଟ୍, କମ୍ ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ନୋ ଏଡେଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଲ୍ଟ, ଅଧିକା ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ଼, ପ୍ୟାକେଜ୍ଡ ଆଇଟମ୍ସ, ନମକିନ୍, ଚିପ୍ସ, କୁରକୁରେ, ମିକ୍ସଚର୍, ଶୁଖୁଆ, ଏସବୁକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ। ଧଳା ଲୁଣ ବଦଳରେ ଆପଣ ହିମାଲୟାନ ସଲ୍ଟ, ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ, ବ୍ରାଉନ୍ ସଲ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଡଲ୍ଟ ପର୍ସନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ ଡେ 6 ହିଁ ଲୁଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ର 2/3। ଲୁଣରେ Na+ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରେ ନା, ଏହାର ୱାଟର୍ ରିଟେନସନ୍ କେପାସିଟି ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଦେହରେ ୱାଟର୍କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଇଟ୍ ହେଲ୍ଦି। ଇଟ୍ ହେଲ୍ଦିରେ କ'ଣ ନା, ମୋର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଆମର ଡାଏଟ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେସ୍ ଡାଏଟ୍ କହିଥାଉ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡାଏଟେରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍। ଏଇଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ହି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଥାଏ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥାଏ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍, ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି, ସେସବୁକୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ରେଡ୍ ମିଟ୍, ମଟନ୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ବଟର୍, ଘିଅ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ପେଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, କେକ୍, ବେକେରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏସବୁକୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। 3 ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରେଗୁଲାରଲି, କିଛି ଟାଇମ୍ ବ୍ରିସ୍କ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟମୋଟ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍କୁ ରେଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ, BMI ଯାହାକୁ ଆମେ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହିଥାଉ ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆପଣ ୟୋଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହୋଇଥାଏ। 4 ହେଲା ଏଭଏଡ଼ ଆଲକୋହଲ ଏବଂ କ୍ୱିଟ୍ ସ୍ମୋକିଂ, ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5 ହେଲା ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 6 ହେଲା ଭଲସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦୈନିକ 6-8 ଶୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ
टेंशन एवं स्ट्रेस रु रिलीफ पाई थाओ। सात नंबर है कंटिन्यू एंड रेगुलर यूज ऑफ योर बीपी मेडिसिन। बिना डाक्तर परामर्श क्रमे आपण कौन सी बीपी मेडिसिन जदि यूज करुछंती स्टॉप करंतु नाही। आपण को बयस जदि अधिका रहिछि 40 वर्ष किंबा अधिका थिले आपण रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करंत। ब्लड प्रेशर मापिबा मेसिन जहाँ आम स्पिग्मो मानोमीटर बोली कहिताउ ताहाकु आपण भी घरे रखिपारे। दुई प्रकार एक्चुअली मेजरिंग मेसीन आसे, गोटे होची डिजिटल बीपी मेसीन एवं आउ गोटे है मानुआल बीपी मेसीन। बट एक्चुअली मानुआल बीपी मेसीन रे बहुत ही करेक्ट ब्लड प्रेशर मापी होता है। बहुत लोगों का धारणा अच्छी कि थरे बीपी मेडिसिन यूज कले कंटिन्यूसली लाइफ टाइम आमको बीपी मेडिसिन नबाकु पड़िबो, किंतु मु कहिबे एहा संपूर्ण सत नुहे। जदि आपण किछि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कले, मु जो सातटी फॉर्मूला कहली से सब को जदि आपण अवलंबन कले, जदि आपण को ब्लड प्रेशर कमिबाकु लागिला ताहाले आपण डाक्टरन को परामर्श क्रमे ब्लड प्रेशर मेडिसिन को कम पावर को आनी पारंती किंबा संपूर्ण रूपे बंद भी करि पारंती। होप आज भिडियोटी आपण मानक भल लगी। मो भिड भल लगुले मो चैनल डॉक्टर सेनापति एससीबी एमसीएच को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आपण को प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स रे दियंतु एवं आपण मानक सांगसाथी सहित शेयर करूँ। शेष प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एतिकी कामना आपण मानक निरोगी रखंतु एवं रोग जंत्रणारु मुक्ति दियंतु। रहिली, नमस्कार।